योगी पर हमलावर रहने वाले उत्तर प्रदेश में मंत्री क्यों बनाए गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 56 हो गई है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ गए और अब सपा का साथ छोड़ बीजेपी के साथ फिर से जुड़ने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और ओम प्रकाश राजभर को पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। साथ ही 2022 चुनावों में बीजेपी छोड़ सपा में विधायक बने और अब फिर से भाजपा में लौटकर घोसी से विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद दारा सिंह चौहान को भी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और भाजपा के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। यह सब लोकसभा के चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पर बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अमित शाह की छाप। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में प्रचार करते थे तो उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत तीखी बातें कही थी। दारा सिंह चौहान भी बीजेपी छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया था कि वो योगी को वापस मठ में चले जाना चाहिए, लेकिन मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में जाति से जुड़ी राजनीति और अन्य पहलुओं पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार उमर रशीद कहते हैं, बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि कोई उनसे नाराज नहीं है। 2014 और 2017 में अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति में शामिल थे और उन्होंने जातियों के समीकरण को खुद साधने की कोशिश की थी। अमित शाह की इजाजत और उनके दखल के बगैर तो यह सब हो ही नहीं सकता। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता कहती हैं कि जिन्हें मंत्री बनाया गया वे नेता स्टेट लीडरशिप को बाईपास कर सीधे केंद्रीय मंत्री से मिले और दिल्ली से अपना रास्ता बनाकर यूपी में आए हैं। यह योगी जी के माध्यम से नहीं आए हैं। वो कहती हैं कि ऐसा इसलिए किया है ताकि प्रदेश का नेतृत्व उनका कोई विरोध ना कर सके। अगर वो योगी के पास भी जाते तो वो भी उन्हें आलाकमान के पास लेकर जाते। जातीय समीकरण पर उमर रशीद कहते हैं, जो इन जातियों के नेता हैं वो भले ही अपने बलबूते पर सीटें जिता नहीं सकते पर कुछ सीटों पर हरवा जरूर सकते हैं। खास तौर पर इस चुनावी माहौल में बीजेपी के गैर यादव ओबीसी जातियों और उनके नेताओं को महत्व देने के दावे को कमजोर कर सकते हैं। अमित शाह बीजेपी के सभी जातियों को शामिल करके सामंजस्य दिखाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर से आते हैं खुद इस बात को अच्छे से समझते हैं कि निषाद जैसी पिछड़ी जातियों का काफी महत्व है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।